और इतना सॉफ्ट लड्डू, ये देखिए उठा रहे और टूट गया, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट लड्डू है। एक काजू है, एक किशमिश, नहीं दो काजू है और एक किशमिश है, अच्छा दो तीन किशमिश है। और देखिए लड्डू हाथ में रह ही नहीं रहा है, ये ऐसा लड्डू है कि पानी की तरह फ्लो कर रहा है। अच्छा क्या रेट रहता है इसका? 260 रुपये किलो है। पीस कैसे है? पीस वही 15 रुपये पीस होगा। ये रसगुल्ला ही ना हुआ? नहीं छेना है इसको, रसगुल्ला नहीं छेना बोलते हैं। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं मनेर की तरफ, और मनेर का जो स्पेशल बहुत ज़्यादा फेमस लड्डू है वो खाए तो हर कोई होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो देखे होंगे कि वो लड्डू बनता कैसे है। तो बस अभी हम लोग मनेर का जो फैक्ट्री है जहाँ से कि सारा लड्डू बनाया जाता है, लगभग इनका 4 आउटलेट है, हर एक आउटलेट पर वहीं से सप्लाई होता है, तो बस सीधे आपको इनके फैक्ट्री कहिए, गोदाउन कहिए, जो कहिए, वहाँ ले चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि लड्डू आखिर बनता कैसे और क्या ऐसा खासियत है कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं उस लड्डू को। तो अब सीधे आपसे वहाँ चल के मिलते हैं। बोर्ड हम लोग मनेर में बस इंटर करने वाले हैं और बस कुछ ही देर के बाद पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। और इधर देखिए कितना अच्छा रोड लग रहा है, दोनों साइड ये तार का पेड़ है और क्या मतलब सही वाला व्यू आ रहा है। एक बहुत बढ़िया ये डेस्टिनेशन हो सकता है लॉन्ग ड्राइव के लिए, इस तरह का रोड हम पहले नहीं देखे थे। देखिए दोनों साइड तार का पेड़, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और बीच से हमारा कार बढ़ रहा है। तो इधर देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं मनेर स्वीट्स, मनेर का लड्डू देसी घी स्वीट्स, और यही आउटलेट है। अंदर चलते हैं जो इनका वर्कशॉप है और देखते हैं कि कैसे बनता है मनेर का फेमस लड्डू। ये देखिए, ये इस तरह से इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, बंधाना? बंधाना। अच्छा, और इसमें क्या क्या रहता है? देसी घी रहता है, ड्राई फ्रूट रहता है, काजू ये सब रहता है। देसी घी, ड्राई फ्रूट्स और काजू, देसी घी में झरा। ये क्या, ये क्या रखे हुए हैं? पानी है। अच्छा ये पानी है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हाथ में थोड़ा पानी लगा के फिर इसको, जैसे चटचटाहट हल्का धरता है हाथ में, तो पानी मतलब फ्रेश करके फिर बनाता है। ये क्या क्या बोलते हैं इसको? नुक्ती। तो ये किस चीज़ का बनता है? ये बेसन का, बेसन का ही बनता है। बेसन का बनता है, देसी घी में झराता है। अच्छा, देसी घी में झराता है। वो सब अभी नहीं हो रहा, अभी झाड़ते हुए हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो देसी घी में झराता है और चाशनी में पाक होता है, उसके बाद ये सब ड्राई फ्रूट वगैरह है, किशमिश है, सब बिया है, काजू है। इधर देखिए इनका जो लड्डू है वो बन के रखा हुआ। क्या रेट होता है इस लड्डू का? 520 रुपये के जी बिकता है। एक के जी में कितना पीस चढ़ जाता है? 28 से 30 पीस का। अच्छा, मतलब 520 रुपये में लगभग 30 पीस हो गया। हाँ, 17-18 रुपये के आसपास एक पीस का रेट पड़ा। हाँ, अभी हम लोग वो सब झड़ाता हुआ छनाता वो सब नहीं देख पाएंगे ना। आपका जितना ब्रांच है सब में यहीं से लड्डू जाता है? हाँ, दाना खाली जाता है ब्रांड में, जहाँ जहाँ सब दाना झराता है ना। हाँ, हाँ। वहाँ जाता है, वहाँ सिरा में, वहाँ खाली सिरा का काम होता है। अच्छा, दाना ये बोल रहे हैं ना, ये जो दाना है? हाँ, अच्छा। हाँ, तो ये सब दाना है, तो ये सब जिसे झराता है सूखा दाना। हाँ, हाँ। और बाद वहाँ सिरा में चाशनी में रस में डलाया जाता है। कितने जगह ब्रांच है आपका टोटल? ब्रांच मुड़िया लोक में है, बिहटा में 2 ब्रांच है, 3। मेन जो होगा वो यही है मनेर वाला स्पेशल ब्रांच है, या मुड़िया लोक है। अच्छा, हर जगह मतलब यहीं से जाता है? हाँ, सब जो भी सामान बनता है सब यहीं पे जाता है। लड्डू तो काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है देखने में। लड्डू हम लोग इनके शॉप पे जाके वहाँ ट्राई करेंगे, यहाँ ट्राई नहीं करेंगे। और भी कुछ यहाँ अभी बन रहा है? आइटम बहुत बनता है, कारखाना में तो बहुत काम हो रहा है, छेना का काम होता है। चलिए इनके कारखाना में ले चलते हैं, कुछ वहाँ दिखाते हैं। इधर देखिए यही इनका कारखाना है और इधर बन रहा लगता है रसगुल्ला, ये थोड़ा दिखाते हैं। ये क्या बन रहा है? रसगुल्ला छेना। छेना? हाँ। तो इतना बड़ा साइज का रहेगा? हाँ, सैंडविच है। अच्छा, क्या रेट रहता है इसका? 260 रुपये किलो है। पीस कैसे है? पीस वही 15 रुपये पीस होगा। ये रसगुल्ला ही ना हुआ? नहीं छेना है इसको, रसगुल्ला नहीं छेना बोलते हैं। हाँ। कटिंग होके थोड़ा छोटा हो जाता है वही, बहुत अच्छा। ये रसगुल्ला बन के रखा हुआ है आपका? इधर देखिए ये जो है रसगुल्ला वगैरह बन के रखा हुआ है, और इधर कितने बड़े से कढ़ाई में रसगुल्ला तैयार किया जा रहा है। ये हो गया चाशनी ना, देखिए इधर चाशनी में डुबाया गया बनने के बाद, ये इस तरह से गरम गरम रसगुल्ला को चाशनी में डाला जा रहा है।
और अफसोस की बात है कि हम लोग लड्डू नहीं देख पाएंगे, जिसके लिए आए थे आज वही मिस हो गया, लड्डू नहीं हो पाएगा। अवेलेबल है इसी कारण से वो नहीं हो पाता है, स्टॉक अभी स्टॉक है। चलिए, तो अभी बस ये रसगुल्ला बन रहा है, और उधर क्या बन रहा है? वही सब दूध का काम हो रहा है, दूध का ही प्रोडक्ट सब बन रहा है। तो लड्डू हम लोग चलते हैं इनके शॉप में, वहाँ चल के लड्डू खाते हैं। अच्छा, 1950 से ये शॉप है, 1950 से अब तक मनेर के लड्डू का एक स्वाद। ये पता नहीं ये वाला ब्रांच है या इनका मौर्या लोक वाला ब्रांच है, बट मनेर स्वीट्स का ही लड्डू है। और इधर भी एक फ़ोटो लगा हुआ है, ये देखिए, और एक फ़ोटो इधर भी है, 25 अप्रैल 2012 को आया है इधर नीतू चंद्रा। तो यही एम्बियंस वगैरह है यहाँ का, और बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ के लड्डू, स्वीट्स, स्नैक्स अवेलेबल। अभी हमारे साथ यहाँ के ओनर है सतेंद्र जी, आइए इनसे ज़रा बात करते हैं। तो कितना पुराना ये शॉप है? 60-70 साल पुरानी है। 60-70 साल पुराना है। और कितना आपका ब्रांचेस है टोटल? अभी 4 ब्रांचेस। 4 ब्रांच है, एक ये हो गया और एक मौर्या लोक, और दो बीटा में। और मेन तो आपका फेमस मनेर का लड्डू है, उसके अलावा और कुछ स्पेशल? स्पेशल तो यहाँ की सारी मिठाई बुनिया बनती है। सारी मिठाई बुनिया। स्पेशल लेकिन वो मनेर का लड्डू है, नहीं वो अभी बन नहीं रहा, हम लोग देख नहीं पाए। हाँ, अभी आज नहीं बन रहा है, तो ऐसे पर डे बनता ही है, लेकिन आज नहीं बन रहा है, थोड़ा शाम में लगता है, इस वजह से भी नहीं बन रहा होगा। ये हमारा जो मनेर स्वीट्स का फेमस लड्डू है, ये आ चुका है, और एकदम फ्रेश जो अंदर देखे तो बन रहा था गर्मा गर्म, वही वाला लिए हैं हम लोग। और इतना सॉफ्ट लड्डू है, देखिए उठा रहे और टूट गया, ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट लड्डू है। एक काजू है, एक किशमिश, नहीं दो काजू है और एक किशमिश है, अच्छा दो तीन किशमिश है। और देखिए लड्डू हाथ में रह ही नहीं रहा है, ये ऐसा लड्डू है कि पानी की तरह फ्लो कर रहा है। ट्राई किया जाए और पूरा हाथ घी घी हो गया है उठाते साथ। ये हम लोग पटना में तो खाते हैं, लेकिन ये जो गरम गरम तुरंत फ्रेश बनने वाला का जो मज़ा है, ये नहीं मिल सकता कहीं और, ये यहीं आके मिल सकता है, मज़ा आ गया। वाह, तीन चार से कम तो एक आदमी खा ही नहीं सकता है, एक खाने के बाद अगला जो दो तीन है वो अपने आप खींच लेगा आपको अपनी ओर। ख़त्म करते हैं इसको, उसके बाद बात करते हैं। तो फाइनली हम लोग खा के बाहर निकल चुके हैं, मज़ा आया, एक तो रास्ता बहुत बढ़िया लगा और लड्डू तो खैर बढ़िया है ही। पटना में भी हम लोग खा चुके हैं, बिल्कुल सेम ही टेस्ट था, कुछ बहुत अलग भी नहीं कहेंगे, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट था, तो आप पटना में भी खा सकते हैं। बट ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो आने का रास्ता वगैरह था, जो व्यू था, ये पटना वाले लड्डू वाले शॉप में नहीं मिलेगा। तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं, मज़ा आया, अगर आप कभी खाएँ हैं तो आप बताइए अपना एक्सपीरियंस, और अगर कभी आते हैं तो बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच।